आप सबका श्री गणेश अकादमी में जोरदार स्वागत है। आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर 2021 से लिया गया है। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न है, यदि दो बिंदुओं पी ब्रेकेट के अंदर एक्स माइनस वन व क्यू बराबर थ्री कामा टू के बीच की दूरी 5 इकाई है, तब एक्स का मान है। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 5, चौथा विकल्प है 7। तो हम आपके लिए यह प्रश्न बड़ा ही सुविधाजनक से हल कर रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र है अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। तो डी का मान दिया गया है 5, डी के नीचे 5 लिख दीजिए, बराबर वर्गमूल के अंदर लिखिए एक्स वन, एक्स वन का मतलब है पहला भुज, एक्स टू का मतलब है दूसरा भुज। तो पहला भुज एक्स है, ये अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करना है, और एक्स टू दूसरा भुज है 3, माइनस 3 लिख दीजिए, होल वर्ग कर दीजिए, प्लस वाई वन, वाई वन का मतलब है पहला कोट है माइनस वन, माइनस वाई टू दूसरा कोट है इसका 2 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज घाते 2 कर दीजिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 घाते 2 बराबर ऐसे वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 1 3 माइनस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, ब्रेकअप बंद करके पूरे का वर्ग कर देंगे। अब 5 5 25 इसका 25 होगा बराबर ए वर्गमूल हट जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 25 बराबर, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी सूत्र में यह टूटेगा। पहले पद का वर्ग x का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 3 का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन 3 3 9। अब 25 बराबर एक्स स्क्वायर 3 3 9 द्वितीयाई 6x धन 9। अब 25 इज इक्वल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9 9 18 ऋण 6x धन 18। पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, इधर भेजेंगे 25 को माइनस 25 इज इक्वल 0 हो जाएगा ये। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x 25 में से 18 घटाएंगे माइनस 7 इज इक्वल 0। अब मित्र इसका फैक्टर बन गया, ऐसा गुणनखंड करना इसकी 7 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर माइनस 7 हो और घटाने पर अंतिम चिन्ह ऋण में है इसलिए घटाने पर 6 के बराबर हो। तो यह होगा 7 गुणे 1, 7 का 7 और 7 में से 1 गए 6, इसलिए ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल 0। अब यहाँ दो दो का पद का समूह बना लीजिए, यहाँ एक्स पहले में एक्स का मान लीजिए एक्स माइनस 7 प्लस 1 का मान लीजिए एक्स माइनस 7 इज इक्वल 0, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, एक्स माइनस 7 इज इक्वल 0 तो एक्स बराबर 7 और एक हो जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 एक्स बराबर माइनस 1। कहने का मतलब एक्स बराबर 7 और माइनस 1 हुआ, चूंकि विकल्प में माइनस 1 नहीं है इसलिए एक्स बराबर 7 मान्य है, आंसर बराबर 7। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।